कांग्रेस पार्टी आगामी लोकसभा चुनावों में कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाहती है। वह केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों को घर घर पहुंचाने का प्रयास करेगी। महिला कांग्रेसियों को कांग्रेस पार्टी की लोकसभा चुनावों बारे जागरूक करने के लिए सोलन में महिला कांग्रेस द्वारा जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष सुशीला नेगी ने की। बैठक में कांग्रेस द्वारा चुनावों के लिए तैयार की जा रही रणनीति पर भी विशेष रूप से चर्चा की गई। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने महिलाओं की समस्या सुनने के लिए महिला शक्ति ऐप शुरुआत की है, जिस ऐप के माध्यम से महिलाएं सीधी राहुल गांधी से जुड़कर उन्हें अपनी समस्याओं को साझा भी कर सकती हैं और अपने विचार भी रख सकती हैं, जिससे कि अधिक से अधिक महिलाएं राहुल गांधी तक ग्राउंड रिपोर्ट पहुंचा सकेंगी। आपको बता दें कि अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष सुशीला नेगी ने बताया कि कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लोकसभा चुनावों से पहले महिलाओं को जोड़ने के लिए महिला शक्ति ऐप की शुरुआत की है, जिसके माध्यम से महिलाओं को अपनी समस्याएं रखने के लिए एक मंच मिला है। बस सीधे तौर पर वे राहुल गांधी से अपने विचार साझे कर सकती हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान मोदी सरकार केवल मात्र जुमलों की सरकार है, वह मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में जुमलों के अलावा कोई कार्य नहीं किया है। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनावों से पहले अधिक से अधिक लोगों को कांग्रेस विचारधारा से जोड़ने के लिए महिला शक्ति ऐप मददगार साबित होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने एक शक्ति प्रोजेक्ट करके महिलाओं के लिए स्पेशल नंबर दिया है, जिससे हम उनके साथ डायरेक्ट लिंक हो सकते हैं। जो हमारे अपने दिल की बात है वो हम आज इस प्रोजेक्ट के द्वारा डायरेक्ट हम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिल सकते हैं और उनके साथ अपनी दिल की बात बता सकते हैं। और इससे हमने महिलाओं को जोड़ना है पूरे भारतवर्ष में कि भाई किस तरीके से हम अपने पार्टी का, अपने विचारधाराओं का कैसे मिलाएंगे लोगों को, किस तरीके से करेंगे। पूरे कांग्रेस के इतने 10 साल के राज में इतना महंगाई नहीं हुआ जितना इन 4 सालों में हुआ है। आज पेट्रोल और डीजल के दाम इतने बढ़ गए हैं, 80 रुपये लीटर शायद पेट्रोल हो गया है और 70 रुपये के करीब डीजल हो गया है। तो आज ये इस महंगाई के लिए मोदी साहब क्या कर रहे हैं? कुछ भी तो नहीं कर रहे हैं। कौन सा वादा सच्चा हुआ? सारे वादे इसके झूठे हुए। वही अब हम जनता के बीच में जाके पहुंचाएंगे इन बातों को, ताकि लोगों को अवगत करा सके। 2019 में हमारे को पूरी तरीके से हम जीतेंगे और हमारे राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे।